गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आई एम 2 मिनट्स लेट ड्यू टू पावर कट। ओके चिल्ड्रन। गुड आफ्टरनून आयुषी। ज्वाइन करो बच्चों क्लास फास्ट। गुड आफ्टरनून उपलब्धि। गुड आफ्टरनून सार्थक। लाइन और एंगल्स कर रहे थे बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में। गिनती कर चला लास्ट क्लास। इलेवन क्वेश्चन लास्ट का रह गया था अपना। समझाती थी मैं बना लिए आप लोग या वापस से बताऊं। आयुषी ने तो कर लिया। बाकी के बच्चे रिस्पांस करो आप लोगों ने किया या नहीं। रिपीट कर दूं। ओके आज बच्चे बहुत कम क्यों है बेटा। आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हो या लेट हो। ठीक है बच्चे बच्चों क्लास ज्वाइन कर लेंगे हम लोग तब तक ये कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था चिल्ड्रन। 11th क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है हमें यहाँ पे डायग्राम मिला हुआ है बट ये लाइंस नहीं है बच्चों सब अलग अलग है इस फॉर्मेट में है ना। मीनिंग किया हुआ है सबका ए बी सी और डी 56 डिग्री देन 100 डिग्री। ये हमारा ओ है पॉइंट। ये हमारा एक्स है और लास्ट जो हमारा है दिस इज 74 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। जैसे अभी तक हम लोग लीनियर इक्वेशन कर रहे थे यहाँ पे सब अलग अलग एक पॉइंट पे 4 लाइंस आकर ज्वाइन कर रही हैं और ये यहाँ पे चारों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना रहे हैं। ओके और ये जो डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं ये जो हमारे डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं बच्चों ये जो डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं इनमें से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट। चैट पे क्या कर रहे हो आप लोग बच्चों। ओके गुड आफ्टरनून हर्षिता संदीप। बेटा जब आप लेट आए तो क्लास ज्वाइन कर लें ठीक है ना। आप बीच में चैट करते हो तो फिर मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो मैं उधर देखने चली जाती हूँ। अब देखो यहाँ पे वी नो दैट सम ऑफ all the angles, sum of all the angles, ये point है around a point is 360 degree है ना। सारे 360 degree होते हैं तो हम क्या लिखेंगे angle start करते हैं AOB plus BOC
प्लस सीओडी प्लस डीओए, ये सारे सारे 360 डिग्री के इक्वल हो गए। अब एओबी कितना है, 56 प्लस 100 प्लस एक्स प्लस 74 360 डिग्री, ठीक है ना, दिखता है आपको। अब क्या होगा, प्लस कर देते हैं तो 4 और 6 10 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13 कैरी 1 2। वापस चेक कर लेते हैं, 4 6 10 7 और 1 8, 8 और 5 13 और 2 प्लस x, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 माइनस 230, और ये 0, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 2 गया, ये हमारा आंसर हो गया। और तुम सबको चेक करके भी देख सकते हो, जैसे 230 और 130 मिलकर कितने हो गए 360, 230 और 130 अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 160 डिग्री आ जाता है ना बच्चों, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। सो दिस इज आवर आंसर, आ गया ना समझ में सबको, ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों हमारे एक्सरसाइज का। सबको आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्स करो बच्चों, चैट बॉक्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। ठीक है ना बच्चों, अब आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज चैप्टर 14 एंड दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, चैप्टर 14 properties of parallel lines। देखो बच्चों, हमें parallel lines की properties करनी है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि parallel lines होते क्या हैं, है ना, तो कोई भी any two lines, अगर suppose करो एक line AB है और एक line CD है, ठीक है बच्चों, ओके। अब आप ना यहाँ पर आप बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, मैं आपको समझा रही हूँ, और नहीं समझ में आए पहले एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ तब फिर आप मुझसे पूछना, है ना, नहीं समझ में आए पहले मैं खत्म करूँ फिर आप चैट बॉक्स में चैट करना, ओके। अभी आप सारे बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। अब देखो यहाँ पे अगर एनी टू लाइन्स है बच्चों, सपोज करो एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है मेरे पास, अगर हर जगह इन दोनों लाइनों की डिस्टेंस, इन दोनों लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है अगर हर एक जगह पर इक्वल है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल एट एवरी पॉइंट, देन दिस टू लाइंस ए बी इज सेड टू बी पैरेलल टू सी डी, है ना। तो दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं, पहला तो ये है कि दोनों अपिक हो, जब डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा तो दे नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी ये दूसरे को कट नहीं करेंगे, जैसे नदी होती ना बेटा, रिवर के जो दो साइड्स होते हैं कभी भी रिवर के दो साइड्स नहीं मिलते, क्योंकि ऐसे पानी जो है इसमें वाटर फ्लो करता रहता है ना, तो ये दोनों साइड्स क्या है, रिवर के ये दोनों साइड्स पैरेलल्स हैं,
तो व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दोनों जो हो दे हैव एट सेम प्लेन, अगर वो सेम प्लेन में है और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो सबसे क्या है हमें जानना कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, और साथ ही साथ ये जानते हो ये सारे जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे दो अगर लाइन में है तो डिस्टेंस भी इक्वल होती है और साथ ही ये 90 डिग्री भी होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें पढ़नी है बच्चों, ये तो समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये पैरेलल है बेटा, दिस इज द नोटेशन ऑफ पैरेलल, है ना। पैरेलल को बिना लिखे, जैसे ना हम लोग इक्वल की साइन लगाते हैं ना, इक्वल के लिए कैसे लगाते हैं, दिस इज द साइन ऑफ इक्वल, तो इसका मतलब होता है पैरेलल, है ना। अगर ऐसे लाइनें, देन मतलब ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अगर इस तरह से दो वर्टिकल्स लाइन देखो तो इसका मतलब है दिस इज द साइन और नोटेशन और सिंबल, कुछ भी बोल सकते हो, ऑफ पैरेलल। ओके चिल्ड्रेन, सो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस? इफ टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, देन दिस टू लाइंस आर सेट टू बी पैरेलल लाइंस। दिस इज डिनोटेड बाय हॉरिजॉन्टल टू लाइन, और ये कह लो कि इक्वल को खड़ा कर लो तो बन गया पैरेलल का साइन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फास्ट बेटा, ये जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना बच्चों, सिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े हो, अभी से लेके टेंथ तक पढ़ना है आपको, बेसिक से समझना कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? सो सेकंड वन इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन, अब देखो दो अगर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, सपोज करो एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको कोई तीसरी लाइन इस तरह से कट कर रही है, सपोज करो एन, एन लाइन जो है इसको कट कर रही है, तो ये जो लाइन है आई उसी लिख लेना बेटा, पैरेलल लाइन लिख लेना, समझा रही हूँ भूल जाओगे ना, अभी मेरे साथ साथ लिख लो, आप फेयर कॉपी में भी लिख लेना बेटा, ये आपका बेसिक है, बता रही हूँ कि अभी से लेकर टेंथ तक आपको ये करना है, क्योंकि टेंथ तक तो आपको मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी है, इलेवेंथ में आपके पास ऑप्शन है कि आप मैथ्स पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, ये ऑप्शन आपको इलेवेंथ में मिलेगा बच्चों, टेंथ तक कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा लगे ना लगे आपको मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं बेटा जो छोटी क्लास से स्टार्ट होते हैं और बड़ी क्लास तक आते हैं, उनमें एक चैप्टर ये भी है। ओके, तो अगर दो, ये टू भी हो सकते हैं बच्चों और मोर देन टू भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, बट एटलीस्ट कम से कम टू पैरेलल लाइंस हो, और इन दो पैरेलल लाइंस को जो तीसरी लाइन इस तरह से कट करती है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट प्लेस, एक देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, दीज आर नोन एज। अब देखो कितने सारे यहाँ पे बच्चों एंगल बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखो दो पैरेलल लाइंस थी और दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया बच्चों, तो 8 एंगल्स यहाँ पे बन गए। अब लर्न करना है इन सब एंगल्स के नाम है, सबसे पहले करोस्पॉन्डिंग एंगल्स, करोस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो ऊपर ऊपर वाला है, देखो ये लाइन का एक्सटीरियर है बेटा और ये लाइन का इंटीरियर है, पढ़ते ही हो जैसे सर्कल पढ़ते थे, तो ये सर्कल का एक्सटीरियर होता था और ये सर्कल का इंटीरियर होता था, ठीक इसी तरह से बच्चों यहाँ पे जो ये लाइन है, ये लाइन का एक्सटीरियर है और ये लाइन का इंटीरियर है ना।
तो यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों बनेंगे। अब देखो ये जो बाहर वाला एंगल है 1 और 5, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक इसी तरह से इधर भी है एंगल 2 और एंगल 6। ये तो ऊपर ऊपर वाले हैं, इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर मैं नहीं लिखूंगी, इसलिए नहीं लिखूंगी, एक एक्सटीरियर में है एक इंटीरियर में है, एक एक्सटीरियर में है एक इंटीरियर में है। फिर बच्चों इसी तरह से देखो 4 और 8, एंगल 4 एंगल 8, और इधर से 3 और 7, एंगल 3 और एंगल 7, इनको कहते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। ये पेयर में होते हैं, पेयर का मतलब बच्चों 2-2 होते हैं, तो 1, 5, 2, 6, 3, 7 ये सब बच्चे लिखेंगे और फेयर कॉपी में लिखेंगे। दीज आर नोन एज कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है ना। और ये क्या है, पेयर में है, देख रहे हो 2-2 है। जैसे सॉक्स के पेयर्स होते हैं बच्चों, समझ रहे हो ना, जैसे हम सॉक्स कभी भी एक तो लेते नहीं है, जैसे सॉक्स के पेयर्स होते हैं जस्ट लाइक उसी तरह से हैं। तो क्या हमने पढ़ा कि व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस दिस लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन, एंड व्हेन एनी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग 2 पैरेलल लाइंस 8 एंगल्स आर मेड देयर, 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7 आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग, मैं ऊपर लिख दी हूँ इसलिए नहीं लिख रही हूँ, है ना, आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। डन। अब इसके बाद इंटीरियर, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट में बेटा इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों आएंगे, एक्सटीरियर भी आएंगे और इंटीरियर भी आएंगे, ठीक है ना। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, परेशान नहीं होना है हमें, एक छोड़कर एक। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर देखो, एक बार इंटीरियर और एक बार एक्सटीरियर, ठीक है ना। तो 3 और 5 इंटीरियर में है, देखो 3 और 3 के बाद क्या आता, 4 छूट गया, तो 3 के बाद 4 हट गया और 5, तो एंगल 3 और 5 ये बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चों। और ठीक इसी तरह से 4 और 6 और थर्ड में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, अब एक्सटीरियर में देखो जब हम एक्सटीरियर की बात करते हैं बच्चों, तो एक्सटीरियर में देखो ये हमारा जो एंगल है ये 2 एंगल और हमारा 8 आएगा। अब कुछ बोलोगे मैम 8 कैसे आ गया, तो देखो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना बेटा, ये सब आपस में इक्वल हैं, मतलब 1 इक्वल होता है 5 के, अभी बताऊंगी ये मैं सब, 2 इक्वल होता है 6 के, 4 इक्वल होता है 8 के, और 3, इसलिए मैं इसको रब नहीं की थी, 3 इक्वल होता है 7 के। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर है ना बेटा इक्वल होते हैं, ठीक इसी तरह से ये इंटीरियर भी जो है ये आपस में इक्वल होते हैं। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर जब हम ले रहे हैं बच्चों, तो एक्सटीरियर में हम 2 ले रहे हैं, ओके। अभी मैंने बताया ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, तो 2 को छोड़कर क्या आएगा 4। अब सपोज करो मैं यहाँ पे 2 और 4 लिख देती हूँ, ठीक है ना, तो 4 तो इंटीरियर है बेटा, देखो 4 क्या है इंटीरियर, तो हमें तो इंटीरियर लेना नहीं है बच्चों, लेकिन हमें ये पता है 4 किसके इक्वल होता है 8 के, तो मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखूंगी, लिखूंगी 4 और 8। आ गया ना बिल्कुल अच्छे से समझ में। फिर एक 1 बच गया हमारा 1, अब 1 का जो ऑल्टरनेट है 1 के बाद 2 को छोड़ देंगे और 3, लेकिन 3 तो फिर इंटीरियर में है, तो हम 3 नहीं लेंगे बच्चों, बल्कि क्या ले लेंगे 7। सो दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स।
बच्चों ये सारा आपको लर्न होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना, ये सब लर्न होना चाहिए। ये आपको याद हुआ, आपको सॉरी समझ में आया ये मैम ने क्या क्या बताया और क्यों बताया? रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में, तब मैं आगे पढ़ाऊंगी। नोट डाउन करो और मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो, आपको समझ में आया या नहीं। चिल्ड्रेन गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। देखो फिर से समझो, ऑल्टरनेट का मतलब होता है, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, ठीक है ना, ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। जैसे एक नंबर अगर हम लिख रहे हैं तो ऑल्टरनेट वन का ऑल्टरनेट थ्री होगा। कोई बात नहीं, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझे उनको दोबारा समझा रही हूँ। देखो ऑल्टरनेट का मतलब होता है वन छोड़कर वन। अब जैसे वन का ऑल्टरनेट थ्री, थ्री का ऑल्टरनेट फाइव, फाइव का ऑल्टरनेट सेवन एंड सो ऑन, मतलब एक को छोड़ देना है। अब ऑल्टरनेट दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। तो इंटीरियर में तो इजी था बच्चों, फोर हमने लिया अगर तो फोर लिए, सॉरी थ्री लिए तो फोर छोड़कर फाइव, थ्री लिया हमने तो फोर छोड़कर फाइव, और जब हमने फोर लिया बच्चों तो फाइव छोड़ के सिक्स। इंटीरियर में तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन, तीन के बाद चार आता है, फोर नहीं लेना फाइव ले लिए, और जब फोर लिए तो फाइव को हटा दिए सिक्स। ये देखो सब इंटीरियर में है, दोनों लाइन के बीच में है। अब ऑल्टरनेट आ जाओ एक्सटीरियर, तो हमने बच्चों वन लिया, तो वन लिए ना तो वन के बाद टू को छोड़ देना था, थ्री लेना था, तो वन और थ्री अगर हम लेते हैं तो थ्री ऑल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं है, थ्री क्या है, थ्री जो है वो अंदर बैठा है इंटीरियर में है। तो हमें यहाँ से पता है बच्चों कि थ्री सेवन के इक्वल होता है, तो हमने थ्री की जगह सेवन डाल दिया, हमने थ्री की जगह क्या डाल दिया सेवन, तो वहां पे हमने लिख दिया वन और सेवन। फिर जैसे हमने टू लिया, तो टू लिए थे बच्चों, तो टू लिया था हमने तो टू के बाद थ्री आ रहा था, थ्री छोड़ के मुझे फोर लेना था, लेकिन जैसे मैं फोर लेती तो फिर ये इंटीरियर हो जाता, तो मैंने फोर की जगह क्या लिया एट। ये इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ लिखा है एक्सटीरियर, तो जब हमने एक्सटीरियर लिखा है तो हम यहाँ पे इंटीरियर नहीं ले सकते, है ना। ऐसे अगर सिर्फ ऑल्टरनेट है बेटा तो सिर्फ ऑल्टरनेट में हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर है तो मुझे इंटीरियर ही लेना है और एक्सटीरियर ही लेना है। इज इट क्लियर, आ गया बच्चों समझ में? और ये जितने एंगल है बेटा सब आपस में इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये जितने पेयर्स, ये भी इसके इक्वल होता है और ये भी इसके इक्वल होता है। एक और बच रहा है बेटा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब कंसेक्यूटिव इंटीरियर, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, अब देखो लगा कंसेक्यूटिव या ऐसे समझ लो एक तरफ के, इंटीरियर है, इंटीरियर में चार एंगल है थ्री फोर फाइव सिक्स, एक तरफ कौन कौन बैठा हुआ है थ्री सिक्स, और दूसरी तरफ कौन कौन बैठा हुआ है फोर और फाइव, हो गया। कोई दिक्कत आ गया ना आप सबको समझ में? ठीक है बच्चों, अब देखो थ्योरम यही है, जितने मैंने पेयर लिखे हैं ना बच्चों वो सब इक्वल होते हैं, और भी जो लास्ट वाला लिखी हूं ना इसमें
जो को इंटीरियर एंगल होते हैं बेटा इनका सम 180 डिग्री होता है, ये लिख लो। क्या होता है? सम ऑफ को को इंटीरियर एंगल्स इज 180। कोई भी जो दो को इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और आपको पहले बता दी हूं कि सारे अल्टरनेट एंगल के पेयर इक्वल होते हैं, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और वर्टिकली अपोजिट तो जानते ही हो बच्चों, 1-3 के इक्वल होता है, 2-4 के इक्वल होता है, 5-7 के इक्वल होता है। अब देखो जो मैं ये लिखी हूँ ना, इसको मैं प्रूफ करके दिखा सकती हूँ कैसे। देखो प्रूफ कर सकते हैं, 9th में पढ़ना है हमें। देखो अभी तुमने, तुमको क्या पता है कि 3-5 के इक्वल होता है, मालूम है ना तुम्हें एंगल 3 किसके इक्वल होता है, 5 के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी तो याद करना पड़ेगा। और 3 और 1 क्या है, ये भी इक्वल होते हैं, एंगल 1-3 के इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और हमारा 5 किसके इक्वल है, 7 के। ये भी जैसे दो लाइनें कट करती है ना बच्चों, तो ये दोनों एंगल अभी तुरंत पढ़ाई हूँ, और ये दोनों एंगल ये सब इक्वल होते हैं। तो 5 किसके इक्वल है, 7 के। एंगल एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है ना। इसको उल्टा तरफ से लिख लो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। और यही देखो यहाँ लिखा हुआ है, 3-5 के इक्वल है बेटा, यहाँ लिखे हो ना 3-5 के इक्वल, तो 1 भी 7 के इक्वल। ये देखो प्रूफ भी हो गया, कितना मजेदार है। यही 9th क्लास में प्रूफ करने आपको आएगा, और आप इसको एक बार समझ जाओ तो बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। सब बच्चों को समझ में आ गया, यस और नो? ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज 9th क्लास में आपके पास आने वाला है, बट इसको बनाने के लिए आपको सारे डेफिनेशन लर्न होने चाहिए, सब कुछ लर्न हो जाना चाहिए, क्या होता है ये पहचानना चाहिए तुम्हें। अभी पहचान में आना चाहिए कि ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग है, ये दोनों ऑल्टरनेट है, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट है। ये अगर आपको लर्न रहेगा तो बड़े आराम से एक्सरसाइज बनाओगे, अगर ये लर्न नहीं हुआ तो आपको नहीं बनेगा आपसे, ठीक है बच्चों। अब हम एक्सरसाइज बनाते हैं, इसको रब कर दूं, सबने लिख लिया, सब बच्चों ने नोट कर लिया इसे बोर्ड से। ओके आप लोग इतने कम बच्चे क्यों क्लास में हो, अभी तो कोई शादी भी नहीं चल रही थी, शादी में हो आज, इतने कम बच्चे क्यों आए हो आप लोग। ये हमारा है एक्सरसाइज 14, ठीक है ना बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वही है, दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इनके नाम है एल एम और इसका नाम है टी, ठीक है ना। एंगल बने हुए हैं ठीक उसी तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बच्चों, है ना। अब देखो दिख रहा है ना आपको, अब चैट नहीं करना, पहले देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल 5 मिला हुआ है, एंगल 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, दोनों लाइनें एल है पैरेलल एम के दे रखा है ना, और टी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 मिला हुआ है 70 डिग्री। निकालना है हमें बच्चों 1, 3, 4 और 8, इतने एंगल हमें निकालने हैं, ठीक है ना, ये हमें नहीं मालूम है। अब 5 से ही चलते हैं बेटा। देखो 5 किसके इक्वल है, अब आपको याद होना चाहिए 3 के, क्या लिखेंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन लिखना होगा, क्या है रीजन, इंटीरियर ऑल्टरनेट
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो 5 मिला हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 70। आ गया पहला वाला। अब देखो जब मुझे 3 मिल गया बच्चों, तो 3 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और एंगल 3 कितना है, 70 डिग्री, तो एंगल 1 भी आ गया 70 डिग्री। दिख रहा है ना आपको, हो गया 1 मिल गया, ये निकाल लिया हम लोगों ने 3 भी निकाल लिया है ना बच्चों। अब आ जाओ 4 पे, है ना, अब हमें निकालना है 4। अब देखो यहाँ पे 4 और 8 चाहिए मुझे, तो जो 4 है बच्चों, देखो जो 4 है वही 8 है। अब इसको निकालना मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ। अगर देखो ये एंगल, देखो ध्यान से, ये एक लाइन है और इसके ऊपर एक ये रे है ना, जो पहले वाले एक्सरसाइज में किया हम लोगों ने। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये गिवन वाला बस रखती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4, या अगर आपने 5 निकाल लिया है तो आप अपने बुक वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, एंगल 5 और एंगल 4 सम ऑफ को इंटीरियर क्या होता है, रीजन लिखना होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180, है ना। तो अब एंगल हमने 5 तो निकाल लिया है बच्चों, तो 70 डिग्री प्लस एंगल 4 कितने इक्वल हो गया, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, और ये आ गया 110 डिग्री। और जो 4 है बेटा वही है हमारा 8, क्या लिखेंगे, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4। व्हाट्स द रीजन, अभी मैं क्या कह रही हूँ, इजी है बट आपको सबका नाम पता होना चाहिए बच्चों, ये है क्योंकि ये अगर नहीं लिखे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल, तो एंगल 8 भी हो गया 110, और ये हमारा खत्म है। आ गया समझ में, हाँ सब रिकॉर्डिंग संदीप डेली ऑन होता है बेटा, इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। बोर्ड एक बार मैं ऊपर कर देती हूँ, नीचे का नहीं दिख रहा है, रुक जाओ। ठीक है बच्चों, अब कर लो। कोई बात नहीं संदीप, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, आप वहां भी देख सकते हो, है ना। सारे बच्चे कर लो तो यस लिख देना, है ना। हो जाए तो डन लिख देना।
ओके, समझ में आ गया ना सबको? अब एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग, टाइम है हमारे पास, देखती हूँ क्वेश्चन बड़ा है या छोटा बच्चों उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर देती, डायग्राम रब करने की जरूरत नहीं थी बच्चों, सेम डायग्राम था। L, M और D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। अब देखो यहाँ पे रेशियो मिला हुआ है 1:2, 1:2, और ये क्या है 5:7। अब वही वाली चीज है बच्चों, देखो ये दोनों लाइनें मिलकर क्या होगी, क्या लिखेंगे, एन इज ए लाइन एंड यहाँ पे कुछ नाम रख लेते हैं, है ना, ओ एंड ओ टी इज ए। अब आपको पता है ना कि क्या होता है, सम जो होते हैं 180 डिग्री होता है, तो क्या लिखेंगे, लेट एंगल 1 is 5x एंड एंगल 2 is 7x, तो क्या हो जाएगा 5x + 7x = 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, है ना। 7 और 5 मिलकर क्या हो गया 12x 180 डिग्री, therefore x = 180 degree upon 12, 12 = 12 and 5, sorry 6, 12 = 5, 60, 15 degree। अब एंगल 1 = 5x, तो 5 × 15 और ये हो गया 75 degree, और एंगल 2 = 7x और ये हो गया 7 × 15 और 105 डिग्री। अब सब निकल जाएंगे, निकाल 1, 2 तो निकल ही गया बच्चों, अब निकालना है 3 और 8। तो देखो ये रहा 3, 3 किसके इक्वल है, 3 जो है देखो ध्यान से 1 के इक्वल है, क्या लिखेंगे, एंगल 3 = एंगल 1, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, और ये किसके इक्वल हो गया, 1 हमारा कितना है, सो एंगल 3 = 75 डिग्री। और अब एक और कौन सा निकालना है, 8, तो 8 किसके इक्वल है, देखो ध्यान से अगर देखो तो हमने भी पहले किया भी है, 8 जो है हमारा पहले 1 देखो, 1 जो है 3 के इक्वल, 3 नहीं ये 8 जो होगा ना 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 जो है हमारा देखो 2 4 के, 4 6 के और 6 8 के, तो एंगल 8 = ऐसे लिख लेते हैं, पहले 8 और 4 इक्वल है, एंगल 8 = एंगल 4, है ना, और एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो क्या हो गया, एंगल 8 = 105। कर लो बच्चों आपका टाइम ओवर हो गया है, का हो जाए तो बोल देना, मैं क्लास लीव कर दूंगी। कर लिख लो बेटा तो डन लिख देना, तो मैं क्लास लीव करूंगी। ओके चिल्ड्रन, सबने कर लिया, ओके चिल्ड्रन डन।